ये ब्यूटीफुल रोज खुश है, ये हमारी अंडे देती है, ये बैठी हुई है अंडा देने के लिए। ये यहाँ अंडा देगी, देखिए कहाँ कहाँ अंडे देती है। टाइम लगेगा भी आ जाएगा, तो आ गई सीजनल है प्लांट। हमारे छोटे चूजे धूप ले रहे हैं, धूप निकल आई है, चूजे जो है धूप में खुश है। क्यों डर गए? उधर से कुछ आवाज आई तब डरे ये छोटे वाले चूजे। ये खूबसूरत सी मुर्गी अंडा देने बैठी है, खूबसूरत मुर्गी है हमारी। अंडा दे दिया? नहीं दिया? क्या हुआ? दे दिया? देखिए, शायद आप लोगों को मेरी बात पे यकीन ना हो कि मैं यहाँ वहाँ से अंडे रखती हूँ। आप लोगों को लगता है कि मैं अंडे, शायद ऐसा लगता हो कि मैं अंडे रख देती हूँ। ये देखिए, मैं आज आपको कैप्चर करके दिखा रही हूँ। ये बैठी है मुर्गी अंडा देने, पर्दे के पीछे से जो मैं अंडा उठाती हूँ, तो देखिए ये मुर्गी यहाँ पर अंडा देती है। ये बैठी हुई दिख रही है छोटा सा, मैं इसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगी, ये वरना भाग जाएगी। ये बैठी है मुर्गी, ये अंडा देने के लिए बैठी है यहाँ पर, ये अंडा देगी इस तरह से। ये पीछे छुप छुपा के ऐसे इस तरह से पर्दे के पीछे कहीं कहीं ये मुर्गियाँ हमारी अंडे देती हैं। ये बैठी हुई है अंडा देने के लिए, ये यहाँ अंडा देगी। अब मैं ये अंडा उठाऊँगी यहाँ से, ये पीछे यहाँ अंडा दे देती है। देखिए बैठी हुई है ये कुर्सियों पे इधर उधर, ये इस तरह से मुर्गियाँ हमारी अंडे दे देती हैं। ये बैठी हुई है, ये यहाँ पर आराम से ये अंडा देगी। ये हमारा जो केज है, इसमें हमारे मुर्गे बंद हैं। हमने ये बहुत शैतान लड़ाका किस्म के मुर्गे हैं, तो इसको हमने इसमें बंद कर दिया है। बहुत खामोशी से कैप्चर किया था और वो मुर्गी हमारी अंडा दे के चली गई है। डिस्टर्ब नहीं करने का होता है, वरना फिर मुर्गियाँ उठ जाती हैं। मुर्गियाँ अकेले में अंडा देना पसंद करती हैं। बहुत कम ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो मुझे मिल जाते हैं, मैं कैप्चर कर लेती हूँ अंडा देते हुए भी। ये अंडा दे के चली गई। ये एक मुर्गी यहाँ टब में अंडा देखने बैठ रही है, अंडा देने के लिए बैठ रही है। और ये टब में बैठेगी अंडा देने के लिए मुर्गी हमारी। यशपाल आज नराई कर रहे हैं क्यारी की। घास हो गई बहुत बड़ी, तो मैंने सोचा कि गुड़ाई कर दूँ। अच्छा, अभी इसमें फूल नहीं आया यशपाल? हाँ, ये मोटी। अच्छा, टाइम लगेगा भी आ जाएगा, तो आ गई सीजनल है प्लांट। अभी ये खिलेंगे तो बहुत अच्छी क्यारी दिखेगी, खूबसूरत भरी हुई। फूल आएंगे तब पता चलेगा कौन कौन से कलर आए थे। कितने कलर आते हैं इसमें। अब हमारे अभी जो है विंटर्स के ही चल रहे हैं, अभी समर्स के तो बाद में लगाएंगे, जब ये हो जाएंगे ख़त्म उसके बाद में लगेंगे गर्मियों के पौधे। अभी तो यही चल रहे हैं, अभी तो हमारे यहाँ ठंडी ठंड हो रही है, तो
स्वेटर सब रख दिए गए थे, फिर से निकाल लिए, इतनी ठंड हो गई, फिर सब पहन लिए। रात भी बहुत ठंड थी। जंगली पेड़ कुछ निकल रहे इसमें। क्यारी की सफाई लड़ाई चल रही है, अभी अब खिलेंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे ये सब। अभी समर्स के तो अभी अभी आए भी नहीं होंगे या आ गए होंगे प्लांट गर्मियों वाले? अभी नहीं है ना, अभी तो यही जाड़ों ही वाले चल रहे हैं। अभी तो खिलना शुरू हुए हैं सर्दियों वाले, जाड़ों वाले फूल। ये तो अभी खिले भी नहीं है। बताओ यशपाल, ये कौन से हैं, तुमने कौन से लगाए थे? पिटोनिया, अभी पिटोनिया खिला भी नहीं है। सुबह सुबह का टाइम है, मैं यहाँ आई हुई हूँ। ये मुर्गियाँ हमारी कुछ अंडे पे बैठी हुई हैं, कुछ अंडा देने जा रही हैं। ये हमारी मुर्गियों ने अंडे दे दिए, पेड़ की पत्तियां तोड़ के खा रही है मुर्गी। इतनी खूबसूरत चिड़ियां बैठी हुई हैं, बोल रही है, ब्लैक कलर की। आरी चिड़िया छोटी सी, हमिंग बर्ड बहुत प्यारी है। मुर्गियां हमारी धूप सेक रही हैं, ये हमारी बत्तखें घूम रही हैं इधर उधर। मैं इधर आई हुई हूँ, ये देखिए एक अंडा मुझे सामने नजर आया है। ये मुर्गी है और ये अंडा है, सामने अंडा है। मुर्गी है, इस तरह से चुप चुप बाकी सब अंडे दे दिए। देखिए सारी मुर्गियां हैं और ये अंडा है इनका। अंडा और ये मुर्गियां हैं घूम रही हैं सब, इस तरह से अंडे देती हुई जाती हैं सब जगह से। तो ये है अंडा, देखिए कहाँ कहाँ अंडे देती हैं सब। ये सब पिटोनिया लगा हुआ है इधर सब, इसकी इन्होंने नराई और गुड़ाई सब कर दी इन्होंने। पेंजी तो उधर खिल रहा है, ये पेंजी चल रहा है अभी। हमारे सब विंटर्स के ही चल रहे हैं प्लांट, अभी हमारे सब विंटर्स के चल रहे हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं, बहुत अच्छे खिल रहे हैं सब ये।
एटोनिया का तुमने पूरा बॉर्डर लगाया था इधर का, है ना? हाँ, एटोनिया जो है ये हमारा विंटर्स का प्लांट है, छोटे प्लांट होते हैं, या फूल जो है भरपूर आता है इसके अंदर, बहुत कलरफुल, बहुत बढ़िया फूल आते हैं इसमें। आप आएंगे तो मैं दिखाऊंगी आपको। ये ब्यूटीफुल रोज, कितने प्यारे कलर खिल रहा है, अभी पूरा अच्छी तरह से खिला नहीं है, और ये देखिए कलियां बन रही हैं इसकी, बहुत अच्छी। ये मुसंडा जो है हमारा, ये बिल्कुल पतझड़ हो गया, एक पत्ता नहीं बचा मुसंडे का। हवाएं बहुत चल रही हैं, आसमान तो साफ हो गया है लेकिन हवाएं बहुत ठंडी हैं। आज ये पूरी हमारी क्यारी जो है नरा देंगे, यशफल, जंगली पेड़ सब निकालेंगे, ये साफ सुथरी हो जाएगी बढ़िया क्यारी। अगर हम इसको नहीं नराएं तो ये जंगली पेड़ जो है निकल आएंगे, नराना जरूरी है, बहुत जरूरी है गुड़ाई करना पेड़ों की, जंगली पेड़ नहीं होना चाहिए इसमें। ये क्यारी हमारी इधर की पूरी कंप्लीट हो गई।